तो इस ब्लॉग की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं, बट साइन में बहुत ही बढ़िया मंदिर है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हमने उड़ती खबर आई है कि वहाँ पे इंटीरियर पे 10 करोड़ का खर्चा किया गया है। सो अभी हम लोग आ गए हैं साइंस स्टेशन। अभी हम लोग गूगल मैप लगाएंगे, उसमें सर्च करेंगे गोकुल मार्ग। लेकिन एक चीज जो रुकेगी नहीं वो है चैंटिंग, और हमारी व्लॉगिंग भी नहीं रुकेगी। सुबह 6 बजे भैया ने उठा दिया है, फोन करके बोलते हैं आदित्य स्टैंड अप। अरे मैं कॉमेडियन हूँ, स्टैंड अप करूंगा सुबह सुबह। इसको है ना, ये बताता हूँ, मैं बताता हूँ हम लोग का, मेरा आदित्य, मेरा धीरज का और विकास का आने का प्लान हुआ था। सुबह सुबह आदित्य को ऐसे मैंने फोन किया तो ये बोल रहा है कि क्या हो गया। मैं बोला चल माँ अपने को ऐसे ऐसे मंदिर जाना है, तो ये बोलता है अच्छा ठीक है उठता हूँ। उसको मैंने बोला खड़ा हो जा, पहले खड़ा हो जा, खड़ा हो गया तो फोटो भेज, उसके बाद ही मैं तेरे को सोने दूंगा। क्योंकि कैसा है ना, इसने पहले किया एक दो बार, सो गया और बोला अरे मेरे को नींद लग गया। अरे तो उसको पहले खड़ा किया, फोटो मंगाया, उसके बाद इसको बोला हाँ ठीक है अब जा तू नहाने के लिए। भैया लोग हाथ धोने का तो सिस्टम सुने थे, आज देखो आपको पैर धोने का सिस्टम दिखाते हैं। ये देखो ऐसे है, ये देखो पैर लगाओगे तो पानी आता है भैया, गजब सिस्टम है। भक्ति जा
नंद प्रभु, मजा आ रहा है? अरे प्रभु, अभी डांस करेंगे, कोई बात नहीं, आपके ऊपर का डांस हम करेंगे प्रभु। अरे सो आदित्य जी प्रभु, आपको कीर्तन में मजा आया? भैया कीर्तन है तो मजा आएगा ही ना, कोई पूछने वाली बात है? अभी हम जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम की क्लासेस के लिए, वहाँ पे होगा श्रीमद् भागवतम का सेशन, उसके बाद हमारा पसंदीदा, हमारा फेवरेट प्रसादम। प्रसादम हमें प्रसादम मिल चुका है। इसमें राइस है, राजमा का दाल है, सेवई है, अचार है, पापड़ है, लेमन टी जूस है, सॉरी टी नहीं है। ये देखो, ये हमारे नित्यानंद प्रभु और इनके पास स्पून है। प्रभु तो अभी आप लोगों ने देखा धमाकेदार कीर्तन, डिलीशियस फूड्स, प्रसादम, ब्यूटीफुल दर्शन, और उसके साथ अभी हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, वो जो मंदिर था उसका जो इंटीरियर था इतना बढ़िया था, 10 करोड़ के ऊपर बस वो इंटीरियर के लिए खर्चा किया था। और उस इंटीरियर की खास बात हमारे आदित्य बताएंगे, तो आदित्य जल्दी से बताइए। भैया सारे इंटीरियर पूरे लकड़ियों से बने थे, कारीगरी की गई थी बारीक बारीक पूरी स्टोरी के साथ साथ में। तो भैया रहेंगे सोना चांदी के बाद, ये लकड़ी एक है जो काफ़ी कीमती है। और अगर उस मंदिर का नाम बताएंगे तो गोपाल कृष्ण मंदिर है, श्री गोपाल कृष्ण मंदिर। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और लिंक के साथ आपको नीचे एक और चीज मिलेगी, वो है सब्सक्राइब बटन। क्या करना है? उसको दबा देना है, तोड़ दीजिए, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। लेकिन इस ब्लॉग को अभी नहीं लगेगा अल्पविराम, बोलो जय श्री राम। तो मंदिर में बुक भी मिल रही थी भगवद गीता की, अभी देखेंगे ये एक्चुअली एडिशन है, कितना छोटा सा है। तो लोगों को लगेगा कि ये डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप खोलेंगे ना वर्ड टू वर्ड ये पूरा सेम है। इसका अगर आप पेज देखेंगे इतना पतला पेज है, सब प्लास्टिक का थैली का इतना पतला पेज है, और इतना बारीक बारीक तरह से लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा ए टू जेड 700 वर्सेस हैं इतने से भगवद गीता में। क्या बढ़िया बनाया है एकदम।